वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड सेवेंथ आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की कौन कौन सी होती है नेचुरल वेजिटेशन और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं इस वीडियो में हमने देखना है कि नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप्स की होती है वी कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजस्टेशन लाइक फॉरेस्ट श्रब्स हब्स ग्रास लैंड्स डेजर्ट एट्सेट्रा एंड टूडे वी विल स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट कि फॉरेस्ट कितने तरह के होते हैं ठीक है तो फर्स्टली दे आर द मोस्ट डाइवर्सीफाइड नेचुरल वेजटेशन जोन द अर्थ अगर देखा जाए जो फॉरेस्ट है तो हमारी अर्थ के ऊपर अलग अलग टाइप के डाइवर्सिफाइड मीन्स अलग अलग टाइप के हमें फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं थाउजेंड ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दैट इंटरेक्ट विद ईच अदर विद द अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स लाइक सोयल एयर वाटर आर फाउंड हीयर तो इन प्लांट्स तो इन फॉरेस्ट में हमें अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसके साथ साथ अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स बायोटिक कौन से होते हैं विच आर नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सोयल एयर वाटर उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं मीन्स इन दिस फॉरेस्ट वी कैन फाइंड द वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स द ट्रीज द प्लांट्स फाउंड इन फॉरेस्ट वेरी विथ क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड। और इन एरियाज में इन फॉरेस्ट में हमें किस टाइप के ट्रीज मिलेंगे और प्लांट्स मिलेंगे ये डिपेंड करता है कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है और वो कौन से लैटीट्यूड में लाइक like करते हैं द फॉरेस्ट आर थ्री मेन टाइप्स थ्री टाइप्स के होते हैं द फर्स्ट टाइप इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल मीन्स द फॉरेस्ट विच का विच आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल एरिया एवरग्रीन मीन्स दिज फॉरेस्ट आर ग्रीन फॉर द होल ईयर सारा साल ही ग्रीन रहते हैं रेन फॉरेस्ट मीन्स वो उन एरिया में होते हैं जहाँ पर रेन फॉल काफ़ी ज़्यादा होती है और मोस्टली डिपेंड अपॉन द र दे आर आसो नाउन इक्वाटोरियल फॉरेस्ट एंड सिल्वास इन साउथ अमेरिका इन्हें हम इक्वाटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं बिकॉज दे आर फाउंड नियर द इक्वेटर इक्वेटर के आसपास हमें मिलते हैं दिस इज आवर इक्वेटर टेन डिग्री नॉर्थ टेन डिग्री साउथ तो इस एरिया में हमें कौन से ट्रीज मिलेंगे फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नियर द एरिया ऑफ द इक्वेटर टेन डिग्री नॉर्थ एंड टेन डिग्री साउथ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट प्रिवेल्स थ्रू आउट द ईयर्स देर स्पॉट लग्जरी एंड ग्रोथ ऑफ आलमोस्ट ऑल वेराइटी ऑफ प्लांट्स और जहाँ पर क्लाइमेट कैसी होती है हॉट एंड ह्यूमिड क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए इक्वेटर के आसपास सन की रेज हमेशा डायरेक्टली पड़ती हैं जिस कारण से जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हॉट होता है और डेली यहाँ पर बारिश आती है जिस कारण से एयर में ह्यूमिडिटी बनी रहती है जिस कारण से जहाँ पर हर टाइप के प्लांट्स हमें देखने को मिलते हैं दीज आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट तो इनकी लेयरिंग बनती है अलग अलग लेयर्स बनते हैं मीन्स हमें अलग अलग टाइप्स के वहाँ पर हमें प्लांट्स मिलते हैं श्रब्स मिलती हैं ग्रासेस स्मॉल ट्रीज एंड द लॉन्ग ट्रीज सबसे ज़्यादा जो हाइट होती है फोर्टी मीटर तक इनकी हाइट चली जाती है डिस्ट्रीब्यूशन और जो किन एरिया में हमें मिलते हैं इन एशिया मलेशिया इंडोनेशिया पार्ट्स ऑफ थाईलैंड वेस्टर्न गार्ड इन केरला एंड अंडेमान निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया अफ्रीका में कांगो बेसिन यूनिया इन द वेस्ट अफ्रीका साउथ अमेरिका में अमाजोन बेसिन कोस्टल लो लैंड एंड ब्राजीलियन हाई लैंड सो दीज आर द एरिया वियर वी कैन फाइंड द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट टॉल ट्रीज विद हाइट मोर देन फोर्टी मीटर इनकी हाइट फोर्टी मीटर तक हो सकती है और ये काफ़ी थिक होते हैं एवरग्रीन कॉनेपी ओवर हेड एवरग्रीन कॉनेपी दिस टाइप कॉनेपी इनके ऊपर होती है जो हमेशा ग्रीन रहते हैं दिस ट्रीज है लेरिंग अरेंजमेंट बिलो द क्नेपी शोटर ट्रीज प्लांट्स क्रीपर्स ग्रोस तो जहाँ पर हमें हर एक तरह के प्लांट्स मिलते हैं शॉर्ट भी ट्रीज होते हैं क्रीपर्स भी होते हैं और श्रब्स भी देखने को मिलती हैं दे हैव ब्रॉड लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू द ईयर्स इनके जो पत्ते होते हैं लीव्स होते हैं काफ़ी ब्रॉड होते हैं ब्रॉड मीन्स काफ़ी चौड़े होते हैं और जो पूरा साल ग्रीन रहते हैं द थी कैनोपी डज नॉट अलाउ सन लाइट टू रीच द ग्राउंड और जो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं ये जो की कैनोपी बनती है जो ज़्यादा डेंस होती है घने होते हैं कि सन की रेज ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती जहाँ तक नहीं पहुँच पाती जिस कारण से द ग्राउंड हेयर ऑलवेज रिमेम्स डैम्प एंड वेट वो हमेशा डैम्प और वेट रहती है क्लियर वहाँ पर हमेशा सीलन रहती है और गीली रहती है क्लियर दैट द हार्डवुड ट्रीज लाइक महागनी रोजवुड एबोनी एक्सेट्रा विच आर कमर्शली इंपॉर्टेंट आर फाउंड हीयर कमर्शली इंपॉर्टेंट का मीनिंग होता है कि इन ट्रीज से जो लकड़ी मिलती है उनसे हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जिन्हें हम मार्केट में सेल करते हैं बेचते हैं लार्ज एरिया ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बिन क्लियर फॉर प्लांटेशन ऑफ टी रबर एंड कॉफ़ी पर आज कल हमने अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए इस फॉरेस्ट एरिया के काफ़ी बड़े पार्ट को कटिंग कर दिया है क्लियर कर दिया है क्यों क्योंकि वहाँ पर हम अलग अलग तरह के प्लानेशन करते हैं जैसे टी प्लांटेशन रबर प्लांटेशन कॉफ़ी और स्पाइसेस। प्लांटेशन क्या होता है जब बहुत बड़े लार्ज एरिया में हम एक ही क्रॉप को लगाते हैं लार्ज स्केल पर उसे कहते हैं प्लांटेशन ठीक है तो प्लांटेशन जैसे टी है तो हम पूरे एरिया में सिर्फ टी ही क्रॉप करेंगे कोई और क्रॉप नहीं लगाएंगे दैट इज नोन एज प्लांटेशन नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ये हमें किस एरिया में मिलते हैं मिड लेटीट्यूड कोस्टल एरिया फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट यू एस ए साउथ चाइना साउथ ईस्ट ब्राज़ील इन एरिया मिलते हैं और इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं जो उनकी वुड होती है वो हार्ड भी होती है एज वेल एज सॉफ्ट भी होती है और कौन कौन से ट्रीज मिलते हैं ओक पाइन यूकिलिप्टिस दी दीज आर द ट्रीज दैट वी फाउंड इन दिस फॉरेस्ट दैट इज टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर डेसीडियस फॉरेस्ट और जो हमें किस एरिया मिलते हैं tropical region between 25 degree north and south to 35 degree north and south latitude and these are known as a tropical deciduous forest. is area is 25 degree a 35 degree north and south in the both hemisphere. They are known as tropical deciduous forest. एंड इन द रीज़न बिटवीन थर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ एंड फोर्टी फाइव डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक जो मिलते हैं दीज आर नोन एज टेम्परेट डेसीजस फॉरेस्ट सी इन दिस यहाँ पर है इक्वेटर इक्वेटर से ट्वेंटी फाइव डिग्री ट्वेंटी फाइव डिग्री से लेकर थर्टी फाइव डिग्री तक दिस इज ट्वेंटी फाइव डिग्री से लेकर थर्टी फाइव डिग्री दोनों मिलेंगे नॉर्थ साइड भी और साउथ साइड भी ये वाला रीजन जो ट्वेंटी फाइव डिग्री से थर्टी फाइव डिग्री तक है वहाँ मिलते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट थर्टी फाइव डिग्री से फोर्टी फाइव डिग्री तक जहाँ पर फोर्टी फाइव डिग्री तक जो मिलेंगे दिस एरियाज देट आर नोन एज टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट क्लियर ये वाला पोर्शन तो यहाँ पर हम लोकेट कर सकते हैं इनकी जो मेन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं दीज आर नोन एज मानसून फॉरेस्ट क्यों क्योंकि ये जो ट्रीज़ होते हैं डेस्टर फॉरेस्ट मोस्टली डिपेंड अपॉन द मानसून बारिश पर डिपेंड करते हैं और इन फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होते हैं एक साथ अपने लीव्स को शेड कर देते हैं इन द ड्राई सीजन किस लिए टू चेक द इवेपो ट्रांसपीरेशन क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं मानसून पर डिपेंड करते हैं जब ड्राई सीजन आता है मीन्स जब बारिश नहीं होती है तो इवेपोरेशन को रोकने के लिए ये अपने लीव्स को शेड कर देते हैं जो प्लांट्स में इवेपोरेशन होता है उसे कहा जाता है ट्रांसपीरेशन तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए ये एक साथ अपने लीव्स शेड कर देते हैं इन द ड्राई सीजन और मेन एरियाज़ कौन से हैं जहाँ पर हमें डेसीडियस ट्रीज मिलते हैं एशिया मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया म्यांमार बांग्लादेश श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया में साउथ ईस्टर्न पार्ट एंड न्यूजीलैंड इन यूरोप ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न पार्ट साउथ अमेरिका चिली एंड पार्ट्स ऑफ द पैरागे ये एरियाज हैं जहाँ पर हमें डेसीडियस फॉरेस्ट मिलते हैं नाउ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस ट्रीज जनरली दिस फॉरेस्ट हैव थिक अंडर ग्राउथ अंडर ग्रोथ मीन्स ये इनकी जो रूट्स होती हैं जमीन के अंदर काफ़ी फैली होती हैं। द ट्रीज हैव ब्रॉड लीव्स, थिक ट्रंक एंड ब्रांचिज सम ट्रीज लाइक वैनियन ट्री हैव लॉन्ग स्पोर्टिंग रूफ लॉन्ग रूफ जो अपर पार्ट होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है काफ़ी फैला हुआ होता है दीज आर हार्ड वुड ट्रीज इनकी जो वुड होती है हार्ड होती है विद ग्रेट कमर्शियल वैल्यूज यानी इनसे भी हम काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको हम मार्केट में सेल करते हैं इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल डेसीट कौन कौन से हैं टीक, साल शीशा महुआ नीम एंड पीपल ए इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ टेम्परेट डेसीड्यस फॉरेस्ट टेम्परेट पार्ट में कौन कौन से आते हैं ओक मैपी, बिरह विलो एंडरी तो दीज आर द इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल एंड द टेम्परेट डेसीड्यस फॉरेस्ट एंड बोथ टाइप ऑफ ट्रीज है कमर्शियल वैल्यूज क्लियर दैट तो दीज आर द्रैक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट and the tropical deciduous forest in the next video we will study about the coniferous forest and the mountain vegetation thank you for watching the video